नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। काशी के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने तीसरी बार सियासी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। पीएम मोदी के नामांकन में देश और दुनिया ने न सिर्फ काशी वासियों का मोदी प्रेम देखा, बल्कि पीएम मोदी के वाराणसी के लिए भाव और प्रभाव दोनों दिखाई दिए। एनडीए ने नेताओं की एकजुटता देखी और उनकी ताकत भी। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे मशहूर नेता, भारत के सबसे बड़े नेता, वर्ल्ड लीडर, 53 सालों का राजनीतिक सामाजिक अनुभव और 22 सालों से लगातार चुनावों में जीत पर जीत, अजय अपराजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में कूद गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वाराणसी की 20 करोड़ जनता के लिए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करके 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर आशीर्वाद और ताकत प्राप्त करके मोदी ने इस बेहद अहम दिन की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुँचे, जहां से काशी के विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर पहुँचे। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भगवा वस्त्र भेंट कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। काल भैरव की पूजा काशी में इसलिए अहम है क्योंकि उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि शिव की काशी में डमरू की सरकार है और डमरू की सरकार में काल भैरव से अनुमति लिए बिना कैसे कोई काम हो सकता है। काल भैरव के मंदिर से निकलते ही प्रधानमंत्री मोदी की अगली तस्वीर वाराणसी के नॉमिनेशन सेंटर के अंदर नजर आई। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन के दौरान काशी में मौजूद रहे, लेकिन नॉमिनेशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उनके नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों में 4 नाम शामिल थे, पंडित गणेश्वर शास्त्री जो ब्राह्मण वर्ग से हैं, बैजनाथ पटेल जो ओबीसी वर्ग से हैं, लालचंद कुशवाहा ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और संजय सोनकर जो दलित वर्ग से आते हैं। पूरे समाज को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन सेंटर में पहुंचे, जिसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान वो पंडित गणेश्वर शास्त्री से बात करते हुए नजर आए। गणेश्वर शास्त्री वाराणसी के वही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और उनके ही मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया भी पूरी हुई थी। मोदी जब नॉमिनेशन सेंटर से बाहर निकले तो देश का पूरा पावर सेंटर मोदी के इर्द गिर्द नजर आया। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी के साथ थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मोदी के साथ थे। इसके अलावा गठबंधन दलों के साथी एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले भी मोदी के साथ नजर आ रहे थे। साल 2024 में वाराणसी की चुनावी लड़ाई में मोदी का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय और बीएसपी के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी से है। हालांकि वाराणसी का मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है जिसका नतीजा हर कोई पहले से जानता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि वाराणसी के इर्द गिर्द की सीटों पर प्रधानमंत्री की सीट का कितना असर पड़ा। पीएम मोदी के नॉमिनेशन के समय अपनी आय का ब्यौरा भी दिया गया। न्यूज 18 के पास पीएम मोदी का एफिडेविट है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। यही नहीं, पीएम के पास कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है। पीएम ने कुल संपत्ति 3 करोड़ बताई है, जो पिछले 5 साल में 87 लाख बढ़ी है। वर्ल्ड लीडर,
55 सालों का राजनीतिक सामाजिक अनुभव और 22 सालों से लगातार चुनाव में जीत पर कुल संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया। बता दें आपको कि नॉमिनेशन आज भरा गया है, नामांकन दाखिल किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और जो कुल संपत्ति है उसका ब्यौरा भी दिया गया है। 3 करोड़ रुपए कुल संपत्ति बताई गई है। न्यूज 18 के पास पीएम मोदी का एफिडेविट भी है। एक तरफ पीएम मोदी 7वें चरण में होने वाले वाराणसी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 380 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं और 4 चरण में ही बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी नजर 400 पार पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 4 चरण में ही बहुमत हासिल कर चुके हैं। आपको अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी से कांग्रेस तक पूरा जोर लगा चुकी है। एक तरफ सीएम योगी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सियासत की विरासत बचाने के लिए अमेठी रायबरेली में डेरा डाल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है, और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी है, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी है, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई, वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से, और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे, और 2 भैंसे हैं तो 2 भैंस 1 भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट,
किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है। अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले, जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है। और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खोए जनाधार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब मायावती भी इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में डेरा डालने में लगी हुई हैं और मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल आज झांसी के कुरुक्षेत्र में तीनों नेता मंच से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। यूपी के रण में दो लड़के दम दिखा रहे हैं, 7 साल बाद आपसी तालमेल बिठा रहे हैं और एक साथ मंच पर चुनावी गदा लहरा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली झांसी में हुई, जहां दोनों नेताओं ने उन तमाम मुद्दों को उठाया जिसके भरोसे वो चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये चुनाव संविधान बचाने का है, राहुल गांधी ने कहा महिला को लखपति बनाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा देश में महंगाई चरम पर है, राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, और इन्हीं दावों वादों के साथ दोनों आवाज बुलंद करते दिखे। और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को टक्कर देने वाली मायावती भी आज झांसी में चुनाव प्रचार करती नजर आई। उन्होंने न सिर्फ अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, बल्कि मायावती ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा विपक्ष का घोषणा पत्र सियासी जाल है, उसमें फंसना नहीं है। लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के मकसद से मैदान में है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के खत्म होते जनाधार को बचाने के लिए साइकिल पर सवार हैं। ऐसे में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए तनाव से कम नहीं, क्योंकि जब भी हो, जहां भी हो, मायावती इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए पहुंच ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो दाढ़ी सेट कराते हुए नजर आए। ये तस्वीर एक सामान्य हेयर कटिंग सैलून की है जहां कुर्सी पर बैठकर राहुल गांधी दाढ़ी सेट करवा रहे हैं। तस्वीरें लालगंज में ब्रजेंद्र नगर इलाके में स्थित हेयर कटिंग सैलून की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज में राहुल गांधी सभा खत्म करके जा रहे थे, तभी ब्रजेंद्र नगर में इस सैलून पर उनका काफिला रुक गया। राहुल सैलून में गए, दाढ़ी सेट कराई, बाद में उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफी भी की। हालांकि इस दौरान सैलून पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में रहा और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सर जी अचानक आए दुकान में और हम तो अर्ची हो गए कि मतलब इतने बड़े नेता हमारी छोटी सी दुकान में आ गए और एकदम हड़बड़ा गए। तो आए, बोले कि आपका नाम क्या है, हमने नाम बताया तो बोले हमारी दाढ़ी और हेयर कट काटना है। तो आके इस कुर्सी में बैठ गए और लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी मेरा चार्ज नहीं था। बोले कोई बात नहीं, आप काटो बाल। तो फिर दाढ़ी बोले हमारी इतनी बड़ी बड़ी है, इसको छोटा करोगे तो कितने पे रखोगे तो अच्छी लगेगी। हमने बोला सर इसको एक नंबर पे कर देते हैं। तो बोले ठीक है, आप एक नंबर पे कर दो, लेकिन जैसे अच्छी लगे वही हिसाब से आप कर दो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 29 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने वोटिंग परसेंट के आंकड़ों पर सियासत भी शुरू कर दी। कांग्रेस ने देरी से आंकड़े जारी करने पर सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार के साथ ही तंज भी कसा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। लेकिन इस बीच प्रदेश में वोटिंग के फाइनल आंकड़े को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस ने आंकड़े देर से जारी करने पर सवाल उठाए, यही नहीं अनुमानित पोल और फाइनल पोल के अंतर को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पहले अनुमानित मतदान बताता है, तो जब पहले चरण का मतदान हुआ और दूसरे चरण का, तो निर्वाचन आयोग ने अनुमानित मतदान 60% बताया और उनको एक या दो दिन बाद एग्जैक्ट बताना चाहिए कि कितना पोल हुआ। उन्होंने क्या किया कि 10 दिन तक बताया ही नहीं। ये इतिहास में भारत के पहली बार हुआ कि मतदान के बाद एग्जैक्ट पोल कितना हुआ ये 10 दिन तक बताया नहीं। और अनुमानित पोल और एग्जैक्ट पोल जो है उसमें कभी इतना अंतर नहीं आया। जब 10 दिन बाद निर्वाचन आयोग ने मतदान का प्रतिशत बताया तो कहा 66.1% मतदान हुआ है, यानी 6% का अंतर था अनुमानित में और एग्जैक्ट पोल जो हुआ उसमें। इधर कांग्रेस के सवाल और आरोपों पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस पर हार के बहाने तलाशने के आरोप लगाए, साथ ही ईवीएम और वोटिंग के आंकड़े पर सवाल उठाने को भी इससे जोड़ा। नहीं देखिए, हार की पटकथा कांग्रेस ही पहले से तैयार करते हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी व्यवस्थाओं पर दोष, पर अपने नाकारा नेतृत्व और नीतियों पर दोष नहीं देते जिन्होंने इस देश में कभी विकास नहीं होने दिया। आज मोदी जी की गारंटी का प्रभाव और उत्साह ये है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश ने मतदान का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार जब चुनाव के परिणाम आएंगे भाजपा 10% अधिक वोट शेयर हासिल करेगी। वहीं वोटिंग खत्म होने के साथ ही जीत के दावे होने लगे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 29 कमल खिलेंगे। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नव निर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा वो भी पूरा होगा। वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने में वक्त लगता है और ये चुनाव आयोग जारी करता है। ऐसे में कांग्रेस को कोई संदेह है तो इसका समाधान चुनाव आयोग के पास जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को लाल आतंक के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और इस साल बीजापुर में अब तक 76 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। उधर बीजापुर में पिछले दिनों हुए मुठभेड़ पर सियासत भी लगातार जारी है। हाथ में चेक और चेहरे पर मुस्कान लिए ये लोग कल तक नक्सली थे, लेकिन आतंक के धंधे से इनका मोह भंग हो चुका है और ये मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में 9 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी
और एसपी ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ ही मदद का भरोसा दिलाया। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत जिसमें जिला बल और डीआरजी, इसके अलावा जिला की जो पुलिस बल है, इसके अलावा सीआरपीएफ के 85वीं वाहिनी 222, 229, 168, कोबरा की 202, 210, इसके अलावा एसटीएफ, इनकी संयुक्त कार्रवाई से हमारे पास 30 लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण है वो जो नक्सलियों, जो माओवादियों हैं, उनके विचारधारा से ये छुप थे और जो छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उस पर उसका जो प्रभाव है, उसमें जो प्रावधान है उनके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उधर बीजापुर में ही पिछले दिनों हुए नक्सली मुठभेड़ पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए 8 सदस्यों की समिति का गठन किया है। कांग्रेस ने ग्रामीणों के बयान का हवाला दिया और आम लोगों को मार गिराने की बात कही। बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। और इसी के साथ ही खबर असरदार में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिना कॉन्फिडेंस आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है। कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है ये, वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं।